नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किए गए आयोजन में जमकर लुत्फ उठाए श्रद्धालुओं ने। बूढ़े बालाजी मंदिर के पास लगाए गए विशाल पंडाल में जागरण का आयोजन किया गया। इस जागरण में हिंदुस्तान के विख्यात भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपने भजनों की प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का आयोजन सद्भावना समिति के द्वारा किया गया। इस विशाल जागरण महोत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, साथ ही रात भर भजनों पर थिरकते भी नजर आए। आइए आनंद उठाते हैं ऐसी ही कुछ झलकियों पर। जागरण का कार्यक्रम श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पिछले कई वर्षों से सद्भावना समिति करती आ रही है। इस वर्ष हिंदुस्तान की मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर जी को आमंत्रित किया गया था और उस कार्यक्रम में हमारी गुना शहर की जनता ने जो उत्साह दिखाया, उसके लिए मैं गुना की शानदार जनता, युवाओं का, बुजुर्गों का, माता बहनों का, सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही धार्मिक आयोजनों में गुना शहर की जनता सहयोग करे, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। हमारे शहर की जो अमन और शांति की जो पहचान है, उसको बनाने में हमारी शहर की जनता ने कल हनुमान जयंती के जन्मोत्सव के जो कार्यक्रम थे, सारे शहर में थे, इसके बावजूद सारी जनता ने वहाँ आकर कार्यक्रम को भव्य प्रदान कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सिंधिया कॉलोनी के रहवासी पहुंचे नगरपालिका परिषद के सामने और शुरू किया अपना प्रदर्शन। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि जब भी नगर पंचायत या अपने प्रतिनिधि से बात करने के लिए जाते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है, तो वहां पर उनको केवल यही सुनने को मिलता है कि ये सिंधिया कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी का नाम सिंधिया कॉलोनी है, जाओ और सिंधिया से ही काम कराओ। इसी आशय की शिकायत लेकर सिंधिया कॉलोनी के रहवासियों ने किया प्रदर्शन। साथ ही यहाँ के रहवासियों ने कॉलोनी के सरपंच कल्याण कुशवा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन वे धमकियां देते रहते हैं और अपशब्द कहते हैं। साथ ही बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कॉलोनी से कोई वोट नहीं मिला, इसलिए तुम्हारा कोई काम अभी तो नहीं होगा। रहवासियों का यह भी कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं और वीडियो भी है कि किस तरह से सरपंच अपनी दबंगियाई दिखाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर सभी कॉलोनीवासी नगरपालिका परिषद के सामने पहुंचे प्रदर्शन करने। सो रही है, उनके पास पैसा भी नहीं है, हर प्रकार से परेशान है, हर प्रकार से परेशानी की मुसीबत सहन कर रहे हैं, और कोई भी साधन नहीं है, सब खड़ंजा भी नहीं है, ना सड़क डाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। कह देते हैं 3 महीना से प्रतिक्रिया चल रही है, 3 सालों से जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराते रहे हैं, पेपर के माध्यम से, धरने के माध्यम से, लोग 2-3 सालों से सिंधिया कॉलोनी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये भी आपको सबको मालूम है, मीडिया के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से। हमारा एक सरपंच प्रतिनिधि है कल्याण कुशवा, 2500 रुपये नल कनेक्शन के लिए हैं, किसी को भी एक पर्ची नहीं दी गई है, किसी से 5000 रुपये 2000 रुपये वसूल रहा है शौचालय के नाम पे। अभी भी हमारा 10 बजे का कार्यक्रम था, कल सरपंच हमारे वो कल्याण प्रतिनिधि वहीं पहुंच गया कि तुम्हारा काम अभी से जैसे वो काम चालू करवा रहे हैं, आप हनुमान चौराहे पे कहीं पर मत जाइए। तो हमारे और भी कॉलोनी विकलांग है हमारी वो नारायणी भाई, इनको भी कई दिनों से संघर्ष हो रहा है, लेकिन पंचायत में जाते हैं वो लोग यही कहते हैं तुम्हारी कॉलोनी का नाम सिंधिया कॉलोनी है तो सिंधिया जी ही काम कराएंगे। हम लोग वो लगातार संघर्ष जारी कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की हमारा सहयोग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे कल्याण कुशवा है जो कि एक प्रकार से दबंग टाइप का प्रतिनिधि है, उससे क्या है कि जो लोग मुझे हमारे एक दो भैया हैं उनको भी धमकी देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जिनकी मेरे पास वीडियो भी है, वो ये कहते हैं सरपंच साहब कि आपकी बस्ती से मुझे वोट नहीं मिला तो हम काम नहीं करा पा रहे। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे सिंधिया कॉलोनी में आइए आपको सच्चाई पूरी तरह से मालूम चल जाएगी। देखिए ये सिंधिया कॉलोनी का लगातार सोशल मीडिया पे इनका ये आ रहा है कि हम काफ़ी परेशान हैं और हमारे सिंधिया कॉलोनी में कुछ भी नहीं है। जब हम भाजपा के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं सिंधिया जी के पास जाइए क्योंकि ये सिंधिया जी के नाम से। तो आज जब इनका मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि हम लोग धरना दे रहे हैं, चूँकि मैं सिंधिया जी से जुड़ी हूँ तो मैं यहाँ इनकी पीड़ा को देखकर आई और इनको मैं समर्थन देती हूँ कि इनकी कॉलोनी में जब भी हमारी सरकार आएगी तो मैं सिंधिया जी को लेकर जाऊँगी और इनके कॉलोनी का विकास करूँगी। अपने ही घर की सीढ़ी चढ़ते हुए गिरी नाबालिग छात्रा, हुई मौत। बता दें कि मृतक पालिका का नाम रिंकी बताया जा रहा है। जब वो अपने घर की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर जा रही थी तभी अचानक उसका पैर फिसल गया जिससे वह घायल हो गई। बालिका को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये एक छोटी बच्ची रिंकी लोधा अपने घर पर सीढ़ी चढ़ रही थी, उस दौरान सीढ़ी से गिरी, इससे घायल अवस्था में उसको जिला चिकित्सालय लेके आए थे, वहीं दौरान नुकसान उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग कायम कर लिया है, मर्ग के बाद इस पर जांच की जा रही है और अभी एक कल यानी कि 2 अप्रैल से जननी एक्सप्रेस चालक रहेंगे हड़ताल पर। चालकों की मांग है कि स्टाफ को बढ़ाया जाए।
जिससे कुछ सुविधाएं हो सके। बता दें कि एक जन्नी वाहन पर केवल दो ही स्टाफ है। चालकों की मांग है कि जन्नी वाहन चलाने वालों को 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से 3 शिफ्टों के स्टाफ की व्यवस्था की जाए। इसी के चलते सिविल सर्जन द्वारा वाहन चालकों की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को असुविधा ना हो सके। साथ ही वाहनों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को भी पत्र लिख दिया गया है, जिससे हड़ताली कर्मचारी वाहनों में किसी तरह का नुकसान न पहुंचा पाए। एम्बुलेंस के वाहन चालकों ने हमको और सरकार को ये लिख के दिया था कि हम 2 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। उनकी ये मांग है कि कंपनी अभी एक गाड़ी पर 2 ही स्टाफ रखती है, जो कि पर्याप्त नहीं है। कंपनी को वो चाहते हैं कि 3 शिफ्टों के लिए स्टाफ स्वीकृत करें। 8 घंटे की ड्यूटी ये चाहते हैं, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों पर। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो हम 2 तारीख से 30 शिफ्ट में गाड़ी नहीं चलेगी। इसके लिए मिशन संचालक द्वारा आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई, और मूल उद्देश्य इसका यही है कि हमारे पास ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था रहे ताकि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाएं बाधित ना हो। तो इसके चलते हमने यहाँ पर जो है हमारे श्री गोपाल अहिरवार जी को, जो हमारे यहाँ के एक सक्रिय वाहन चालक हैं, उनको और श्री जनवीर सिंह जी को, इनको हमने यहाँ से समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। हमने प्राइवेट ड्राइवर, प्राइवेट EMT करके वैकल्पिक व्यवस्था पूरी कर ली। हमने पुलिस अधीक्षक को भी हम सूचित करे हैं कि अगर मान लो वो चाबी देने में गड़बड़ी करेंगे तो उन पर केस कायम किया जाए, पुलिस की मदद लेंगे। और इस प्रकार से हमको उनकी मांगों से कोई मतलब नहीं है, मांगें उनकी कंपनी के बीच में, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनको वो क्षति भी ना पहुँचाएँ, और उनको नहीं चलाना, नहीं चलाना इनको। तो मतलब पूरे प्रदेश में एक तरफ हड़ताल रही, लेकिन अपने गुना में नहीं, लेकिन नहीं नहीं, सरकार चाह रही है कि पूरे प्रदेश में ही जो है वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। तो ये जो गुना ने जो सबसे पहले कर ली, और हमने उच्चाधिकारियों को भी बता दिया। खेजरा रोड पर एक गन्ने की गाड़ी पलट जाने से उसमें सवार जयलाल कुशवा की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया जा रहा है कि वाहन चालक अपनी गाड़ी को अनियंत्रित तरीके से और काफी तेज गति में ले जा रहा था, जिस गाड़ी के पलटने से उसमें सवार जयलाल कुशवा वहां पर गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी चालक वहां से अपना वाहन लेकर भागता नजर आया, हालांकि उसे ग्रामीणों ने बाद में पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गन्ना की गाड़ी में बैठ के आ रही थी और बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहा था वो। कौन? ये गन्ना गन्ने वाला चलाता है। जहाँ का गाड़ी फिसली पलटी तो इस तरफ ही मौत हो गई। तो जी ये कहाँ जा रहे थे? ये घर पे जा रहे थे। अच्छा, ये कहाँ से थे? जो उसी गाड़ी में बैठे थे। अच्छा, गाड़ी किसी और की थी? गाड़ी और किसी की है। तो वो गाड़ी पलट गई? गाड़ी पलटी तो उसमें जे स्पॉट पे ही खत्म। पर ये चला कैसे गया गाड़ी स्टार्ट कर? जहाँ से गाड़ी उठवाई उसने कि नहीं बोली कि मैं जिम्मेदार आदमी है, जिससे कही कि मेरा आदमी है, मेरी गाड़ी पलट गई, उसको ले जा रहा हूँ अस्पताल। अच्छा, उसे पलटी करवा कर यहाँ से भगा दी उसने गाड़ी से। और फिर उसको मैंने सुना पकड़ लिया है। पकड़ लिया ना उस लड़के को, पकड़ लिया, उसका हेल्पर को पकड़ लिया, फाटक पे आके पकड़ा उसे जाके। चलो ठीक है, भग गया था वो, भग गया था जहाँ से। तो बस से बता रहा है कि कट मारा किसी ने गाड़ी? नहीं नहीं, कटमट किसी ने नहीं मारा। बहुत स्पीड में थी। तो आप गलती किसकी मानते हैं इसमें? गलती में गाड़ी वाले की मानता हूँ।
अच्छा सही नहीं चला रहा था, सही नहीं चला, बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहा था वो। और इधर से जब उसने गाड़ी भगाई है ना, तो ये सोच लो इंजन में से धुआं निकल रहा था जम के बाद। सुबह 11:30 की बात है, एक गन्ना की गाड़ी जा रही थी गुना तरफ से खैर रोड, तो ये उस गाड़ी में जो प्यारेलाल कुशवा खजरा का बैठा हुआ था, चालक द्वारा तेज लापरवाही से गाड़ी चलाने से पलटा दी, जिससे वो गाड़ी की चपेट में आने से और उसके कमर में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है, सीना में चोट आई है, इस कारण से वो मौके पर ख़त्म हो गया है। इसको उसको पकड़ लिया गया है सर जो वो गाड़ी चला रहा था? मुझे तो नहीं मिल पाए, मैं लोग चर्चा कर रहे थे उसके परिजन वगैरह के, जो गाड़ी थी और चला के ले आया था तो उसको पकड़ लिया है, सूचना मिली है अभी। ठीक है, घटनास्थल वैसे कहाँ का है? गुना खजरा रोड का, नर्सरी के सामने। गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार द्वारा मनाई जाएगी अश्वमेघ यज्ञ की रजत जयंती। इससे पहले 108 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा जो कि 3 तारीख से प्रारंभ होगा, जिसमें 3 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 1008 कलशों के साथ महिलाएं एवं बच्चियां होंगी। संचालकों की माने कि इस कार्यक्रम में 3 से 4 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं इस यात्रा में एक प्रदर्शनी भी निकाली जाएगी जिसके माध्यम से लोगों को कुरीतियों के बारे में बताया जाएगा। यात्रा सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचेगी। यज्ञ 4 तारीख को होगा। यज्ञ करने के लिए शांति कुंज से यज्ञाचार्य भी बुलाए गए हैं। अश्वमेघ यज्ञ की रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें 108 कुंडी यज्ञ का कार्यक्रम है और 3 तारीख से ही प्रारंभ होगा। 3 तारीख को इसकी कलश यात्रा निकलेगी, 1008 कलश निकलेंगे जिसमें करीब 3-4 हजार लोग शामिल होंगे। साथ में प्रदर्शनी भी रहेगी और ये सुबह 7:30 बजे से कलश यात्रा चालू होगी अपने गायत्री शक्ति पीठ से और पूरे शहर में घूमती हुई ये 11 बजे यहाँ पर यज्ञ स्थल पर आकर समाप्त होगी। शाम को फिर इसके संगीत प्रवचन होंगे, फिर 4 तारीख से सुबह यज्ञ चालू हो जाएगा। तो शांति कुंज से ये टोली आई वो यज्ञ कराएगी, सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक यज्ञ कार्यक्रम चलेगा और ये 4, 5, 6, 3 दिन में यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक संगीत और प्रवचन का कार्यक्रम। म्याना कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर एक जलूस का भी आयोजन किया गया। जलूस में आगे ही आगे अखाड़े अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे, साथ ही जलूस कस्बे के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकाला गया। से हमारे सहयोगी सत्यन तिवारी की रिपोर्ट। रावगढ़ के भरसूला चौराहे को 4 लेन के चलते समाप्त कर दिया गया है, जिससे रावगढ़ एवं रावगढ़ से सटे गांव में आने वाले लोगों की नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि अगर भरसूला चौराहे को समाप्त कर दिया गया तो इन लोगों को बहुत दूर से चक्कर लगा कर जाना पड़ेगा। भाजपा नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जनहित के खिलाफ यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। वहीं रावगढ़ के सेवा समिति की ओर से भारत पटवा ने कहा कि अगर भरसूला चौराहे को समाप्त किया गया तो हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। भाई जेडी अहमदपुर जाना पड़ता है, हमें बहादुरगढ़ जाना पड़ता है, ये चौराहा अगर खत्म हो जाएगा तो हम किधर किधर जाएंगे? तुम इसी तरह से निकलते हो यहाँ से रोजाना?
रोज जाते हैं, अब ये नलियां बना दी हमारी। यदि यहाँ से नहीं जा पाओगे तो कहाँ से जाते हो? जेपी से घूम के जाना पड़ेगा। कितने किलोमीटर पड़ता है घूमा आपका? एक डेढ़ किलोमीटर घूम पड़ेगा। एक डेढ़ किलोमीटर घूम कर कौन जाएगा? इतने का डीजल जल जाएगा, इतना ही सवारी पैसा देती, फिर हमें क्या मिलेगा? देखिए मेरी मांग ये है, राघोगढ़ जो फोर लेन आप जो देख रहे हैं जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मात्र राघोगढ़ की दूरी 3 किलोमीटर है। और इस राघोगढ़ में इतनी नेतागिरी हो रही है इस राघोगढ़ में कि यहाँ पे जानबूझकर इसको चौराहा नहीं बनने दिया जा रहा है। आज ये फोर लेन बन रहा था, आपने बरसूला गांव को ख़त्म कर दिया। हमने आज तक आपसे कोई डिमांड नहीं करी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई चक्का नहीं जाम किया। आपने साढ़ा चौराहे पर आपने पुलिया बना दी, ओवर ब्रिज बना दिया, जिससे वहाँ का पूरा व्यापार खत्म हो गया। राघोगढ़ परसुला चौराहा पुराने प्लान के अनुसार लगभग 8 महीने पहले तक एक प्लान जो इनका नया जो प्लान था NHAI का, उस प्लान के अनुसार राघोगढ़ परसुला चौराहा एक भव्य चौराहे के रूप में विकसित होने वाला था, जहाँ पर एक भव्य रोटरी बनने वाली थी। लेकिन किसी के कहने पर या किसी के पत्र के आधार पर NHAI ने यह लगभग 8 महीने पहले प्लान चेंज किया है, जिसमें 1 किलोमीटर की सर्विस रोड को 6 किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, प्लस राघोगढ़ को हाईवे से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया है। साथ ही जो भव्य चौराहा राघोगढ़ चौराहा बरसूला चौराहा बनने वाला था, उसे समाप्त करके राघोगढ़ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। राघोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आरोन नगर में बड़े ही धूमधाम और बड़े ही उल्लास के साथ कर्माबाई को याद किया गया। कर्माबाई की शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए रघुवंशी धर्मशाला पहुंची। रास्ते पर शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हर्षोल्लास के साथ मनाया हनुमान जन्मोत्सव समारोह। इस कार्यक्रम में सभी डीजे की धुन पर नाचते थिरकते नजर आए, साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर भक्तों ने हनुमान जी का महाअभिषेक भी किया। पूजा अर्चना एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। तमाम हनुमान मंदिरों पर भजन कीर्तन सुंदरकांड आदि धार्मिक आयोजन दिन भर चलते रहे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। बमोरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बगरोड़ा में निकाली जल अभिषेक यात्रा। यात्रा का शुभारंभ किया जिला पंचायत CEO नीतू माथुर। इस मौके पर नरेंद्र सिंह नरवरिया, बमोरी CEO सौरभ सिंह कुशवाहा एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सिर पर कलश लेकर बच्चियां शोभा यात्रा में आगे चल रही थी। मगरोड़ा नदी पर एक एनिकेट का भूमि पूजन भी यहां किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं काफी दावतात में ग्रामीण उपस्थित रहे। अरे यार सुबह बस
और ये एक जल अभिषेक अभियान किया जाना है जी। वो पूरे प्रदेश में ऐसा किए जाने का निर्देश है, तो गुना जिले में भी ये करना है। तो ये ग्राम स्तरीय यात्रा तो आज एक ही दिन की थी, इसका उद्देश्य था कि लोगों को जल संरक्षण के बारे में जागृत किया जाए और जल संरक्षण के काम जो चिन्हित किए गए हैं कुछ चिन्हित किए जाए और उनको क्रियान्वित किया जाए। हाँ, 7-8 दिन इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तो जब तक 15 जून तक हम लोग ये देखते हैं, बारिश जब तक ना आए तब तक जल संरक्षण का काम किया जा सकता है। तो इस अभियान के तहत जल संरक्षण जो टूट फूट गई है उनकी मरम्मत या नवीन जल संरचनाएं, मतलब मूल रूप से इसका उद्देश्य पानी का संरक्षण, पानी का बचाव करना है। बमोरी से हमारे सहयोगी अनवर खान की रिपोर्ट। झंडा समिति एवं हिंदू उत्सव समिति ने हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष में निकाला चल समारोह। चाचोड़ा नगर में हनुमान जन्मोत्सव के दिन हिंदू उत्सव समिति एवं झंडा समिति के तत्वावधान में विशाल शोभा यात्रा डीजे एवं बैंडबाजों की धुन एवं ढपलों के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ सदर बाजार हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाला गया। इसमें सभी हिंदू भाई भगवान श्री राम के भजनों पर झूमते नजर आए। इस शोभा यात्रा का स्वागत चाचोड़ा थाने के सामने किया गया, जहां पर चाचोड़ा टीआई भी उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने गाड़ियां रोक रोक कर उनको शरबत भी पिलाया। लखेरा मोहल्ले में नामदेव समाज के युवाओं ने भी ठंडाई पिलाकर एवं भगवान श्री राम के भक्त संकट मोचन वीर हनुमान की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर स्वागत किया। चाचोड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। डीजाना में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।